नमस्कार मित्रों, मैं विनय एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशुतोष, और इनका कुछ क्वेश्चन है तो इनका क्वेश्चन सुन लेते हैं। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने ऑटोकैड के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। ओके, हालांकि मैं भी एक मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जी सर। ओके, तो सर बहुत सारे लोगों ने मेरे को रेकमेंड किया कि आप ऑटोकैड कर लो, ये आपके जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक तरफ से है। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या बता सकते हैं कि मतलब ऑटोकैड करना मेरे लिए बेहतर होगा। ओके, मतलब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप मैकेनिकल ब्रांच से पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि ऑटोकैड के बारे में आपने सुना है जी, तो ऑटोकैड के बारे में जानते नहीं कि क्या होता है जी। अभी तक तो ऑटोकैड किया नहीं। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत उसे इंट्रोड्यूस हूँ। मैं जो मैकेनिकल में जब डिप्लोमा कर रहा था एग्जाम, तो सिलेबस में था, तो थोड़ा बहुत मैं उससे इंट्रोड्यूस हूँ, लेकिन टोटली नहीं हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑटोकैड है कि एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका कि जो आप ड्राइंग पढ़ते हो ना, ड्राइंग, तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है जो लोग ड्राइंग पढ़ते हैं। मैनुअल ड्राइंग में क्या होता है, आपका मिनी ड्राफ्टर होता होगा, आपका मिनी ड्राफ्टर होता है, सीट होता है, पेंसिल रबर होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, और केवल आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, उस पर आप क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटोकैड का पूरा विवरण दिखा देता हूँ, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। आशुतोष, आपके क्वेश्चन के अनुसार हम गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है ऑटो कैड। आपका क्वेश्चन था ऑटो कैड क्या है, तो हम आपको बताएंगे। ऑटो कैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया हुआ है, और इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम आपको इमेज दिखाते हैं कि आप अपने इंजीनियरिंग डिज़ाइन के मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे सेगमेंट के ड्राइंग्स बना सकते हैं। जैसा कि आपने इसमें देख रहे हैं आप कि 2D ड्राइंग्स बने हैं, कोई प्लान बना हुआ है, ठीक है? और ज़्यादातर ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे में यूज़ होते हैं, हर चीज़। मतलब ऑटोकैड एक ऐसा बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, डिज़ाइनिंग का, जहाँ भी, जैसे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम सुना होगा, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, अब क्या है, वही ड्राइंग को हम कंप्यूटर पे कैसे बनाएंगे, तो जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है ना बेसिक, वो सॉफ्टवेयर ही ऑटोकैड है। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको करना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पेंसिल, ड्राइंग सीट, मिनी ड्राफ्टर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको लैपटॉप और इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं जी, ठीक है? उसमें सारे कमांड्स रहते हैं, उन कमांड बेस पे आप बना सकते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर पर आपको दिखाते हैं, सॉफ्टवेयर पर चलते हैं आप जी। तो यहाँ पर ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है 2013 वर्जन हमारे पास है, और ये सॉफ्टवेयर जो मैनुअल ड्राइंग से कंपेयर करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है मैनुअल ड्राइंग। इसमें मैनुअल ड्राइंग से ये इस सॉफ्टवेयर पे ड्राइंग बनाना बड़ा आसान होता है। इसमें कुछ टूल्स दिए, जैसे ड्रॉ टूल्स है, मॉडिफाई टूल्स है। ड्रॉ टूल से हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं, जैसे सर्कल बनाना होगा तो हम सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इजिली, और उसको जैसे कई बार, मतलब मान लीजिए आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसको कई बार अगर आपको करना है मैनुअल ड्राइंग में, तो वहाँ बार बार बनाना पड़ता है, वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट आपने कॉपी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, और वो एक ऑब्जेक्ट को आप कई बार कॉपी कर सकते हो। तो ये सारी जो ऑप्शन है आपका, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो टाइम का बचत हो जाता है, और जो भी एक्यूरेसी उस पर ज़्यादा मेंटेन हो जाती है, वो चीज़ मैनुअल ड्राइंग में नहीं मिलती है, तो इसलिए हम इसको ऑटोकैड प्रेफर करते हैं। और इसमें भी ऑटोकैड भी बहुत एडवांस लेवल पे हो गया, इसमें आपका डायनेमिक लाइब्रेरी होती है। अच्छा, इसमें क्या हम जैसे कोई चीज़ बनाए हम, और वो बाय द वे गलती से वो डिलीट भी हो जाता है, हाँ, तो हमको उसको क्या रिकॉल कर सकते हैं क्या उसको? जैसे नहीं, जैसे आपको बनाते समय अगर कोई, जैसे अभी हमने सर्कल बनाया तो उसको, हाँ, हमने डिलीट कर दिया है, तो अब मैनुअल ड्राइंग में क्या होता है कि सर्कल बना के अगर इरेज कर दिया तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ समय तक अगर कंट्रोल जेड करें तो वापस आ जाएगा, मतलब रीडू अंडू कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको कहीं भेज सकते हैं, और ये क्विक होता है। इसीलिए मैनुअल ड्राइंग का जमाना चला गया है, अब जो ड्राइंग हो गया ना, जो ड्राइंग बनाते थे मैनुअल, वो चीज़ें ये ऑटोकैड पे शिफ्ट हो गया, और अब क्या हो गया कि अब हमारे जो सिलेबस में ये कंपलसरी हो गया है। मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, जितने भी लोगों को ड्राइंग की ज़रूरत होती है, उन सबको ज़रूरत है ऑटोकैड पढ़ने की।
और ऑटो कैड की एक खूबी है, बता दें कि इसमें एक डायनेमिक लाइब्रेरी होती है। उसको हम एक जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं, यहाँ पे हमने एक कमांड चलाया और जैसे हमको व्हीकल चाहिए तो व्हीकल हमारे पास आ गया, ठीक है। एक ट्री हम यहाँ से कॉल कर लिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम आपको दिखा दें कि ये व्हीकल है। अब ये डायनेमिक ड्राइंग्स है, ये जो ट्री है हमारा, ये टॉप व्यू दिख रहा है और इसका साइड व्यू दिख रहा है। अगर इसको, अगर इसका भी साइड दिखाना है तो आप सेलेक्ट करोगे, ये डायनेमिक है, एक ही ड्राइंग के अंदर कई ड्राइंग बने हुए हैं, आपको केवल सेलेक्ट ये करना इसका है। एलिवेशन दिख रहा हाँ, है। इसका एलिवेशन आपका दिख रहा है। और ये जो आपकी जो ये कार बनी है, इस कार में भी अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स बनी हुई हैं, आप ये इनको डायनेमिक ब्लॉक बोलते हैं या डायनेमिक ड्राइंग्स हैं ये। इसका टॉप व्यू दिखाना है, टॉप व्यू दिखा सकते हो, या इसका, या आपको दूसरी कार दिखाना है, सेडन में दिखाना है तो ये अलग अलग टाइप का, या ट्रक मॉडल में दिखाना है तो आप ट्रक मॉडल में दिखा सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के डायनेमिक, ऐसा मैनुअल में नहीं हो पाता है, तो जी इसलिए मैनुअल ड्राइंग से ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो ये कंपलसरी है। तो किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो भी है, जिसको भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत होती है, जिसको भी ड्राइंग बनानी पड़ती है, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर एकदम कंपलसरी है। तो उम्मीद है आशुतोष आपको ऑटोकैड के बारे में जो अभी हमने बताया है वो आपको समझ में आ गई। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है? नहीं सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ अभी जितना आपने मेरे को बताया तो मैं सोचता हूँ कि ये सारी ऑटो कैड क्या है कि एक तरफ से अगर डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर कोई भी जाना चाहता है तो ये बेसिक नॉलेज है। अगर इसके बिना अगर वो आगे अगर बढ़ता है तो मैं ये सोचता हूँ कि वो इनकम्प्लीट है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ये ऑटो कैड सीख लेना चाहिए जहाँ बिल्कुल, तक। आपको ऑटो कैड जरूर सीखना चाहिए। और आपको भी, अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, डिप्लोमा करते हैं या बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के किसी फील्ड से हैं, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है या किसी तरह की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ऑटो कैड सीखना चाहिए। ये एक तरह के स्किल है, उसमें आप ड्राइंग को कंप्यूटर पर बनाना सीखेंगे। ओके सर, तो अभी आपने ऑटो कैड के बारे में ये सारी जानकारियाँ हमें दी और अभी आपने अभी मैंने पहले बात करी थी कि सॉलिड वर्क भी है, कैटिया भी, एनएक्स भी है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, अभी क्या होता है ना, अभी ऑटो कैड के अलावा भी अलग 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 ब्रांच के अकॉर्डिंग अलग अलग उसके एडवांस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो अभी क्या होगा ना, ये जो हमारी वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। आपके अगर क्वेश्चन हो, अगर आपके जो क्वेश्चन है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ऑटो कैड से रिलेटेड और इंजीनियरिंग के डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी आशुतोष, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इनका हम आगे की वीडियोज़ में आपके सारे आंसर दे देंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नमस्कार।